Hey guys, welcome back again on channel. आप में से अधिकतर को वो समय याद होगा जब होली और दिवाली जैसे त्योहारों पर इतने सारे SMS भेजे जाते थे कि पूरा मोबाइल नेटवर्क ही ठप हो जाते थे। लेकिन आज के समय में शायद SMS का कोई इतना यूज नहीं करता है। लेकिन क्या आपको पता है SMS का पूरा नाम क्या है और क्या आपको पता है SMS के इन्वेंटर के बारे में? तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाबों के बारे में और SMS के फैक्ट्स के बारे में। मेरे साथ में हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टे। के सिविल सर्विस ऑफिसर मैटी मैकनन साल 1984 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक टेलीकॉम कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए थे। लंच के दौरान मैटी ने टेलीकॉम एक्सपर्ट के सामने सवाल रखा कि अगर मोबाइल बंद हो जाता है तो कैसे किसी से कांटेक्ट किया जाए। जब लोग सोच रहे थे उतने में ही मैटी ने टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस का कॉन्सेप्ट उनके सामने रखा, लेकिन सबने इस कॉन्सेप्ट को खारिज कर दिया। 1985 में रिसर्चर फ्रीडहम हिलब्रांड और उनकी टीम के साथ मिलकर मैटी ने मैसेजिंग सर्विस पर चुपचाप काम करना जारी रखा। मैसेज भेजने की सर्विस भले ही SMS के नाम से पॉपुलर हुई हो, लेकिन मैटी ने इसका नाम मैसेज हैंडलिंग सर्विस रखा था। SMS के इन्वेंटर मैटी मैकनन इसे कम शब्दों में संदेश भेजने का जरिया नहीं मानते थे। उनके मुताबिक ये सेवा भाषा के विकास का एक नया तरीका था। मैटी ने अपनी टेक्नोलॉजी से पैसे नहीं कमाए, उन्होंने टेक्नोलॉजी का पेटेंट भी नहीं कराया और मैटी को फादर ऑफ SMS कहने पर उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इसके बाद 1992 में पहला SMS भेजा गया और 1994 में नोकिया द्वारा मैसेज टाइपिंग वाला फोन लॉन्च करने के बाद ये सर्विस दुनिया भर में पॉपुलर हो गई। SMS सर्विस के इन्वेंट करने के बाद मैटी लंबे अरसों तक गुमनाम रहे, लेकिन हेलेंसी के एक अखबार के रिपोर्टर ने लंबी पड़ताल के बाद मोबाइल की दुनिया बदल देने वाले मैटी का पता लगाया और काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मैटी मैसेजिंग सर्विस की शुरुआत के पीछे की कहानी बताने को तैयार हुए और तब जाके पूरी दुनिया को पता चला कि SMS का इन्वेंट किसने किया था। फिनलैंड के सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी फिननेट के CEO रहे मैटी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ मोबाइल इंडस्ट्री के नाम से भी मशहूर थे। मैसेजिंग सर्विस का पहला कॉन्सेप्ट देने वाले 63 साल के मैटी का 2015 में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। तो गाइस, ये थे SMS के इन्वेंटर फादर ऑफ SMS लेट मैटी मैकनन। SMS के कुछ फैक्ट्स की हम बात करें तो SMS में 98% रीड रेट है। SMS मिलने के 3 सेकंड के अंदर ही 90% टेक्स्ट पढ़े जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मलेशिया घूमने तो गए होंगे, लेकिन आपको पता है मलेशिया में मुस्लिम्स को 3 बार एक ही SMS भेजकर अपनी पत्नी को तलाक देने की अनुमति दी जाती है। बैड मलेशिया। दुनिया भर में लोगों ने 2015 में 8.3 ट्रिलियन SMS भेजे। इसमें कितने जीरो आते हैं मेरे को नहीं पता है, लेकिन 23 बिलियन पर डे SMS भेजे गए, यानी बहुत सारी टेक्स्टिंग। लेकिन आज भी दुनिया में कई सारे लोगों को SMS का पूरा नाम तक नहीं पता होता है। SMS का पूरा नाम शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है। तो दोस्तों, बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ऑनेस्ट बने।